पाकिस्तान ने एक बार फिर एक ऐसी हरकत की है जो कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट की फितरत है। पाकिस्तान में रोजाना इस तरह के कारनामे, इस तरह की जो कोशिशें की जाती हैं जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों के अधिकारों का हनन हो, एक ऐसा ही शर्मनाक फैसला पाकिस्तान की जो इमरान खान सरकार है उसने लिया है। इमरान खान सरकार की कोऑर्डिनेशन कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला लिया है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के प्रबंधन का काम अब सिख बॉडी, वहां की जो पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी है, अब वो नहीं देखेगी। अब वो काम सिखों से लेकर एक दूसरी सरकारी संस्था को दे दिया गया है। ये दूसरी सरकारी संस्था है द इक्विटी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जिसके बारे में ये कुख्यात है कि वो पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की जो प्रॉपर्टीज हैं बंटवारे के बाद से, उनके जो बुरे प्रबंधन के लिए, उनकी तोड़फोड़ के लिए, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए बदनाम है, ऐसे बोर्ड को पाकिस्तान ने सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब कॉरिडोर के प्रबंधन का काम सौंप दिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि इस बोर्ड में जिस कमेटी को दिया गया है वो कमेटी ISI के साथ मिलकर काम करती है। पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है 2 दिन पहले। जाहिर है दुनिया भर के सिख बॉडी ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने भी इसका जोरदार विरोध किया है कि आखिर एक ऐसा कॉरिडोर जिसको भारत और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया था, कोशिश यही थी कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें धर्म, देश और आपसी जो संबंध दोनों देशों के हैं उससे प्रभावित ना होकर, उससे ऊपर उठकर दुनिया के तमाम सिख यहां पर आएं और इस धार्मिक स्थल पर गुरुद्वारे में दर्शन करें, यहां पर विजिट करें। लेकिन पाकिस्तान ने 1 साल बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2019 को जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर की ओपनिंग की गई थी, उसके बाद जो इस कॉरिडोर का, इस गुरुद्वारे के प्रबंधन का काम था वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया गया था। और इसमें जो मेंबर्स थे, जो उसके चेयरमैन थे, जो उसके प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो सिख थे। जो सतवंत सिंह इसके प्रेसिडेंट थे, अमीर सिंह इसका फिलहाल मौजूदा प्रेसिडेंट था। हालांकि इस कॉरिडोर के जरिए उस वक्त जब एक कॉरिडोर बनाया गया था तब 2 तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी। आशंका सबसे बड़ी व्यक्त की थी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि इस कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान दरअसल अपने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। वो कहीं ना कहीं जो वह सिख वहां पर विजिटर्स के तौर पर जाएंगे उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करेगा। ये एक बड़ी आशंका थी। दूसरी आशंका ये थी कि पाकिस्तान इस कॉरिडोर को बनाने के बाद इसके जरिए वो कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा करेगा, इसके जरिए वो पैसा बनाने की कोशिश करेगा। ये 2 बड़ी आशंका थी। लेकिन भारत सरकार ने पूरी कोशिश करके दोनों ही इन आशंकाओं को दूर करने के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखा। पाकिस्तान वहां पर एंट्री फीस लगाना चाहता था, वीजा फी लगाना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि भाई ऐसा वो होने नहीं देंगे, और फिर तय हुआ कि एंट्री फी और वीजा फी कम से कम रखी जाए। लेकिन 1 साल बाद पाकिस्तान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहले प्रबंधन लिया और अब जो प्रबंधन की जो नई कमेटी बनाई गई है उसमें एक भी सिख नहीं है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? 2 वजह है। एक, जो पाकिस्तान अपना खालिस्तानी एजेंडा चलाना चाहता था अब वो उसको पूरा करना चाहता है। पिछले 1 साल में चूंकि इसका प्रबंधन पूरा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख बॉडी का था, वो इसमें नाकामयाब रहा। दूसरा, पाकिस्तान की जो पूरी जर्जर आर्थिक हालात है, ऐसे हालात में वो उससे पैसा कमाना चाहता है जो कि उसका ओरिजिनल एजेंडा भी था। इसको पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया है द इक्विटी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज बोर्ड, जो कि पूरे पाकिस्तान में हिंदू और सिख बंटवारे के बाद जो वहां पर हिंदू और सिख की जो प्रॉपर्टीज थी उसकी देखरेख का काम करता है। उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है। ये अब इसका काम देखेगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि 9 सदस्य इसमें रखे गए, एक भी सिख नहीं है। पाकिस्तान की जरूरत देखिए, पूरी दुनिया के सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब गुरुद्वारे और कॉरिडोर के प्रबंधन का काम अब एक ऐसी यूनिट देखेगी जिसमें एक भी सिख नहीं है। यही है पाकिस्तान का सिखों के प्रति प्यार, जिसका डंका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाता है। लेकिन
इससे बड़ी आशंका जो है कि जिस बॉडी को, जिस बोर्ड को दिया गया है, वो तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सिखों और हिंदुओं की प्रॉपर्टीज की की बेहुरमती के लिए, उनकी उनकी तोड़फोड़ के लिए, उनको लीज पर देने के लिए, उनको लैंड माफिया से कब्जा कराने के लिए कुख्यात है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। दरअसल पहले समझते हैं कि ये बोर्ड है क्या। ये बोर्ड व्यक्ति ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड 1960 में बना पाकिस्तान में। इंडिया में भी एक बोर्ड बना। हुआ ये कि जब 1947 में बंटवारा हुआ तो दोनों ही देशों ने कि जो लोग थे हिंदुस्तान से मुस्लिम उधर गए, उधर से सिख और हिंदू उधर आए, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, अनमूवेबल जो प्रॉपर्टीज थी, उनके घर थे, मंदिर थे, चैरिटेबल संस्थाएँ थी, हॉस्पिटल्स थे, अस्पताल थे, धर्मशालाएँ थी, उन प्रॉपर्टीज की रक्षा के लिए 1950 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट बोला गया। उसी पैक्ट के तहत एक ये समझौता हुआ कि दोनों ही देश अब एक दूसरे की माइनॉरिटीज के जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी रक्षा करेंगी और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि उसकी हमेशा देखरेख होती रहे। 1955 में मिर्जा पंथ एग्रीमेंट एक हुआ, उसमें भी यही बात की गई, और 1960 में आते आते तब जाकर ये इवैक्यूएशन बोर्ड बना। इस बोर्ड में उस वक्त ही समझौता हुआ कि पाकिस्तान में जो इस बोर्ड का चेयरमैन होगा वो सिख होगा या हिंदू होगा, हिंदुस्तान में जो चेयरमैन होगा वो मुस्लिम होगा। लेकिन 1960 में जब इवैक्यूएशन ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बना, पिछले 60 सालों में एक भी बार पाकिस्तान ने इसका चेयरमैन ना तो किसी हिंदू को बनाया ना ही सिख को बनाया। वो प्रबंधन का काम देखती हैं पाकिस्तान में तमाम हिंदू सिखों की प्रॉपर्टीज की देखरेख का, उनके मॉन्यूमेंट्स का, उनकी अन्य जो बड़ी बड़ी चैरिटेबल संस्थाओं का, लेकिन एक भी सिख या हिंदू कभी इसका चेयरमैन नहीं रहा। आज जो मेंबर्स भी हैं इसमें, जो इस ये कमेटी है, इसके 5-6 ऑफिशियल मेंबर्स हैं। आज भी एक भी सिख ऑफिशियल मेंबर्स नहीं है इसमें। 18 अनऑफिशियल मेंबर होते हैं, उसमें से मात्र 8 हिंदू या सिख हैं। हालांकि इनको कुछ ज्यादा अधिकार नहीं है, अधिकार इन 6 ऑफिशियल मेंबर्स को ही है, वो पूरे पूरे मुस्लिम है। ये इवैक्यूएशन जो बोर्ड है, अब ये पाकिस्तान में इतना कुख्यात है, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो पाकिस्तान में इसके हाथ में क्या क्या है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। 110,000 एकड़ जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड पूरी पूरे पाकिस्तान में है। इस पर ये इवैक्यूएशन बोर्ड इसकी देखरेख का काम देखता है। इसके अलावा 40,500 एकड़ लैंड बिल्टअप जमीन है अर्बन एरियाज में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, डेरा इस्माइल खां में। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में करीब करीब 46,500 एकड़ बिल्टअप एरिया है, जिसमें मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, धर्मशालाएं हैं, अस्पताल हैं। इनकी देखरेख का काम भी ये इवैक्यूएशन ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ही देखता है। लेकिन किस तरह की देखरेख करता है उसके कुछ उदाहरण आप सुनेंगे, आप शर्म, आप शेम शेम करेंगे पाकिस्तान के लिए जिस तरह की देखरेख वो करता है। पाकिस्तान के चकवाल में बेहद बहुत बड़ा एक प्राचीन बहुत भव्य मंदिर घटासराज मंदिर है। घटासराज मंदिर एक जमाने में पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़ा धार्मिक स्थल हिंदुओं का रहा करता था। 4th century में चाइनीज ट्रेवलर मॉन्क फायान का नाम आपने सुना होगा। फायान जब इंडिया आया था, वो पूरी इंडिया में घूमा था, तो उसने भी अपनी बुक्स में इस कटासराज मंदिर का जिक्र किया है कि किस तरह वहां वो एक भव्य परिसर पूरा मंदिर है, उसकी भव्यता का जिक्र फायान ने अपनी बुक्स में किया है। उसके बाद भी यहां पर बहुत सारा निर्माण हुआ और एक बड़ा धार्मिक स्थल 1947 तक हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, 1947 के बाद ये जगह जो है, ये पूरा परिसर है जिसमें कई सारे मंदिर हैं, कई बेहद बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मंदिर की इमारतें हैं, पौंड तालाब हैं, उनकी इस तरह से जर्जर हालत है कि 2018 में पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे तत्कालीन साकिब निसार, उनको कहना पड़ा कि भाई ये इतनी बड़ा भव्य मॉन्यूमेंट पाकिस्तान के लिए हो सकता था, इसकी देखरेख ऐसे क्यों की जा रही है। पिछले 60-70 सालों में इवैक्यूएशन बोर्ड की देखरेख में जब वहां पर जो मूर्तियां थी, पत्थर की मूर्तियां थी, उनको तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया गया,
कट्टरवादी मुस्लिमों के कहने पर, और जो जो कीमती मूर्तियां थी उनको बेच दिया गया। साकिब निसार ने खुद इवैक्वी बोर्ड के अधिकारी से पूछा कि भाई उस इतना बड़ा भव्य मंदिर था, उसकी मूर्तियां कहां गई, वहां पर श्रीराम की मूर्ति क्यों नहीं है, हनुमान की मूर्ति क्यों नहीं है। लेकिन कहा यह गया कि भाई साहब हमसे इस बोर्ड के जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने तो इनको बेच दिया, ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। द डॉन की एक खबर है, हम अपने, ये कोई झूठी खबर नहीं है, द डॉन की खबर है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये बोर्ड हिंदू और सिखों की प्रॉपर्टीज का ख्याल रखता है। आप इस तस्वीर को देखिए, यहां पर एक भव्य बड़ी कीमती मूर्ति श्री राम की हुआ करती थी, लेकिन अब ये आला जो है ये खाली है। कुछ हिंदू जो विजिट करते हैं वो कभी जाते हैं तो तिलक दिया जला देते हैं इस खाली स्थान पर, मानते हैं कि उन्होंने पूजा कर ली। और कुछ मंदिर में कुछ इस तरह से वहां पर तस्वीरें लगा दी गई हैं और वहीं पर वो पूजा अर्चना करके एक तरह की इस तरह की व्यवस्था इस वैक्वी बोर्ड की तरफ से देखी जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ अकेला नहीं है, केपी के प्रांत है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान में कालीबाड़ी एक बेहद भव्य मंदिर हुआ करता था, एवैक्वी बोर्ड के हवाले था। इस एवैक्वी बोर्ड ने क्या किया, उसको एक मुस्लिम प्राइवेट संस्था को दे दिया। मुस्लिम प्राइवेट संस्था वो क्या कर रही है, वहां पर एक बड़ा ताजमहल होटल बना रही है, हेरिटेज होटल। वो एक कालीबाड़ी का एक भव्य काली माँ का मंदिर था, अब उसको उन्होंने उसकी इमारत को एक होटल में तब्दील करने के लिए दे दिया। तर्क ये कह रहे हैं कि वैक्वी बोर्ड ये कह रहा है कि इससे उनको कमाई होगी, कमाई कितनी हो रही है, 1600 पाकिस्तानी रुपए। अब हिंदुस्तान में कन्वर्ट करें तो 800-900 से ज्यादा नहीं होगा, 800-900 रुपए प्रति माह। इस कमाई के लिए उन्होंने इस मंदिर को एक होटल में तब्दील करने के लिए दे दिया, लीज पर दे दिया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में कई शमशान घाट हुआ करते थे, एक भी शमशान घाट आज नहीं है, सभी पर कब्जा कर लिया गया है। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी ने एक जो शमशान घाट पर डेरा इस्माइल खान में कब्जा किया है। इसके अलावा जो केपीके में जितने भी शमशान घाट थे, तमाम शमशान घाट पर वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, अलग अलग डिपार्टमेंट ने, या फिर किसी जो लैंड माफिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसका नतीजा क्या हुआ, आप सुनकर हैरान होंगे, आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, केपीके में एक भी शमशान घाट नहीं है। नतीजा यह है कि जो वहां पर हिंदू या सिख रहते हैं वो अपने मरने वाले करीबी की लाशें भी, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। सोचिए, अंतिम संस्कार नहीं कर सकते तो उनको करना क्या पड़ता है, उनको अपनी करीबी की बॉडी को, उनके मृत शरीर को दफनाना पड़ता है, या अगर किसी के पास पैसे हैं 30,000-40,000 रुपए खर्च होते हैं, उनको पाकिस्तान पंजाब प्रांत के नजदीकी शहर हसन अब्दाल लाना पड़ता है। इस खबर को द डॉन ने छापा है। द डॉन की खबर के मुताबिक मैक्सिम जो केपीके के जो हिंदू या सिख हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए हसन अब्दाल लाना पड़ता है, जिसके लिए 30,000-40,000 रुपए खर्च होते हैं। सोचिए, और अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको अंतिम संस्कार करना है, तो अंतिम संस्कार करने की कोई जगह नहीं है। शमशान घाट में कर सकते थे, इतना ही अधिकार था, लेकिन वहां पर कब्जा है, वहां होने नहीं देते, दूसरी जगह पर अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे। नतीजन ज्यादातर लोगों को अपने करीबी की लाश को, मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने के बजाय उनको दफनाना पड़ता है। क्रिश्चियन, वो भी आप ऐसा लेंगे कि मुस्लिम कब्रिस्तान में, आप क्रिश्चियन कब्रिस्तान में जाकर ही आप दफना सकते हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान के केपीके में। कराने का वाला कौन है, द इवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जिसको अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन का काम दिया गया है। अब सोचिए, केपीके में कोई हिंदू है, गरीब है, उसके गरीबी की मृत्यु हो जाती है, वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, क्या है, वो एक सिक्के को लेते हैं, गर्म करते हैं, लाल करते हैं, रक्त तप्त लोह करके उसको उसके हाथ पर, दाएं हाथ पर, मृत शरीर के दाएं हाथ पर दागते हैं। माना जाता है कि जो ये सिक्का है यही मृत शरीर था, अब उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसको उसके हाथ पर निशान करने के बाद उस लाश को दफना दिया जाता है। ये एक नई परंपरा निकाली गई है ताकि उनको जो हिंदू परंपरा के अनुसार किसी तरह से जो अंतिम संस्कार है वो प्रक्रिया पूरी हो सके। कितना शर्मनाक,
और इसको कराने वाला कौन है? यही वक्फी बोर्ड। इसके अलावा नौशेरा के पीर सादिक में एक बड़ा सिख किला हुआ करता था, जिसको 19वीं सदी में यानी सन 1800 में सरदार फूला सिंह, एक महान सिख योद्धा सरदार फूला सिंह ने इस किले को बनवाया था। इसमें गुरुद्वारा था, मंदिर थे, तालाब था, वहाँ पर कई हॉस्टल्स थे, धर्मशालाएं थी और इसके अलावा डाइनिंग हॉल्स थे, मतलब बेहद बड़ा परिसर। उसको भी, ये भी वक्फी बोर्ड के हाथ में था, उसने क्या किया, इसकी देखरेख करने के बजाय इसको वहां के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को दे दिया। अब वहां पर सरकारी कामकाज होता है। अब सोचिए इस तरह की देखरेख ये वक्फी बोर्ड कर रहा है। इसके अलावा हजारों मंदिर हैं, स्कूल हैं, धर्मशालाएं हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, वो भी इनकी देखरेख में है। लेकिन उसकी देखरेख क्या हो रही है, वो या तो धीरे धीरे उन पर कब्जा कर लिया गया है, देख लिया गया है। इसके अलावा कई खबरें, लाहौर में एक सिख एक गुरुद्वारे पर, वहां पर एक मजार वाले का कब्जा कर लिया गया है, और जब शिकायत की जाती है सिखों के द्वारा, तो वो कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे। और अब इस तरह की बातें की जा रही, दरअसल ये तो मजार की देखरेख करने वालों की ही जमीन है। इस तरीके से धीरे 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 जितने भी सिखों और हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी थी उस पर वक्फी बोर्ड ने कब्जा कराया है। अब आप सोचिए कि ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे बोर्ड को अगर प्रबंधन का काम दिया गया है तो उसका उसकी वजह क्या होगी? वजह ये है कि जो 2019 में जब ये कॉरिडोर बनाया गया था, मकसद ये था कि खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, वो पूरा नहीं हो पाया। शुरुआत में गोपाल सिंह चावला इस प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, उन्होंने लगातार इस तरह के बयान दिए, लगातार इस तरह के कोशिशें की कि जो वहाँ सिख विजिटर्स आते हैं उनको रेडिकलाइज किया जाए। भारत ने आखिरकार उसको लगातार विरोध जताया, और विरोध ऐसा जताया कि जो गोपाल सिंह चावला है इसको हटाना पड़ा पाकिस्तान को। आपने इस तरह का वीडियो भी सुना होगा जिसमें गोपाल सिंह चावला ने कहा था कि बताइए मैं तो खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहा था, पाकिस्तान ने मेरी औकात कुत्ते के बराबर भी नहीं समझी। इस तरह का बयान गोपाल सिंह चावला ने दिया था। इसके बाद भी लगातार कोशिशें होती रहीं लेकिन खालिस्तानी एजेंडा कामयाब नहीं हो पाया पाकिस्तान का। लेकिन अब ISI इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत इस पर अब कब्जा करके इस एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत एक प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान की बात की जा रही है। इसकी कोशिश ये होगी कि एक पूरा एक कमर्शियल प्लान तैयार किया जाए ताकि जो विजिटर्स आते हैं उनसे वीजा फी वसूल की जा सके, उनसे एंट्री फी वसूल की जा सके, आसपास इस तरह के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सके जिससे पाकिस्तान सरकार को इससे कमाई हो। ये दो मकसद पूरे पाकिस्तान को करने हैं। जाहिर है पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया है। जिस सिखों के हितों का डंका खालिस्तानियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में पीटता रहता है, उसका सच, उसका असली रंग अब सामने आ चुका है। बहरहाल जरूरत है कि भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों का इसको उसका जोरदार विरोध करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी सरकार अपने इस शर्मनाक फैसले को वापस लेने को मजबूर हो। नमस्कार।